सेकेंड एपिसोड, सेकेंड एपिसोड क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मालूम है कि कल तुम्हारे साथ थी पूरा दिन, रात में कितनी थकी हुई याद, कहाँ से मिलता सेकेंड एपिसोड तुम्हें? और तुमने कौन सा फीडबैक दिया मुझे पहली एपिसोड का कि कैसा लगा, बताओ? माइंड ब्लोइंग स्टार्ट लिया तुमने राबिया, इवन मॉम को भी पसंद आया तुम्हारा स्क्रिप्ट, इसीलिए तो सेकेंड एपिसोड की इतनी एक्साइटमेंट है। हाँ ठीक है, जब मूड होता है तभी लिखती हूँ, जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ना, जब भी तो माइंड ब्लोइंग होता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम ऑफिस तो आ रही हो ना आज? क्यों, मेरा क्या काम वहां पर? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, किसी से मिलवाना है तुम्हें। मुझे किसी से मिलके कोई सरप्राइज, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, ओके? होगी एक्साइटमेंट, गारंटेड होगी। अब बताओ भी, कोई एक्टर आ रहा है क्या? एक्टर नहीं, डायरेक्टर है। ओ थैंक गॉड, फाइनली तुम बिलाल को डायरेक्शन के लिए नहीं ले रहे हो। अब आपकी बात को कैसे टाल सकता हूं मैडम? तो बताओ ना कौन है, इतना सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो? ठीक 5 बजे ऑफिस में मुलाकात होती है, ऑलराइट? ठीक है, चलो ख्याल रखना अपना। शरबत खान बता रहे थे कि मालिक के घर में तो बहुत ज्यादा नौकर है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नौकर ही नहीं और अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये शरबत खान है ना, एक नंबर का झूठा है, तुम नहीं जानती हो अभी इसे। झूठा? मैं समझी नहीं। तुम कहो तो मैं तुम्हें शरबत खान का असली चेहरा दिखाऊं। असली चेहरा? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही आप क्या कह रही हैं। अच्छा एक काम करना, आज 2 बजे ना बिल्कुल तैयार रहना, हम शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं। अब मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे लिए शॉपिंग? हाँ अब तुम अमीर हो गई हो भाई, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी तो होने चाहिए ना, ब्रांडेड। क्यों रूबी जी, वो क्या हुआ? कुछ नहीं। और रूबी जी, आप अच्छा कपड़ा मपड़ा पहन सकते हैं तो क्या मैं नहीं पहन सकता? वो सिस कहाँ पे? मेरा मतलब राबिया जी। ओ राबिया जी, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। रूबी जी, हमको आपसे कुछ बात करना है। क्या? वो दिन याद है जब पहली बार मैनेजर तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारा भाभी तुमको बुरी तरह मार रहा था और तुम्हारा भाई चुपचाप साइड पे खड़ा तुमको देख रहा था? उस दिन उस मैनेजर का मालिक तुमको वीडियो कॉल पर देख रहा था और मैनेजर के मालिक ने फैसला किया कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसको उसकी नानी का नानी याद आ जाएगा। और अगले रोज वो मालिक मकान तुम्हारे घर को आया था किराएदार बनकर, एंड दैट्स मी इकरार चौधरी। सर मिस राबी अचानक मीटिंग छोड़ के चली गई है। सॉरी सर, क्या आप सिस कहां पे हैं? राबिया जी कहां है? तुम गए क्या कह रहे थे? सर राबिया जी को कोई इमरजेंसी कॉल आई थी और वो चली गई हैं। और बोलकर गई हैं कि आप रूबी जी को घर तक ड्रॉप कर दीजिएगा। और निहाल? सर वो आपके कैबिन में ही है। ठीक है तुम जाओ।
राइट सर। मुझे 2 मिनट दोगी रूबी? I'm sorry. हेलो, हाँ रूबी, आई एम सॉरी, मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तुम परेशान मत हो, इकरार तुम्हें ड्रॉप कर देगा, ठीक है ना? ओके बाय। आप जाए, मैं वेट कर रही हूँ आपका यहाँ पे। थैंक यू।